हेलो वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लाया हूँ MT15, जिसमें कि इंडिकेटर्स चेंज करने वाला हूँ। और देख सकते हैं मेरे हाथ में इंडिकेटर्स, KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर्स, और ये एक रिंग लाइट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो सभी इंडिकेटर्स को खोलना पड़ेगा, फ्रंट के यहाँ पे इस साइड के नट को खोल के यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, और पीछे का जो इंडिकेटर है दोनों को खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इंडिकेटर के जितने कनेक्शन है उनको अलग करेंगे। पीछे का इंडिकेटर काट करके यहाँ पे KTM का लगाना पड़ेगा। विदाउट कटिंग ये नहीं होगा, यहाँ पे कट करके फिर इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं ये यमा का ओरिजिनल वाला इंडिकेटर है, इस पर यहाँ पे कनेक्टर देख सकते हैं, और KTM का यहाँ पे कनेक्टर देख सकते हैं, दोनों अलग हैं। तो अभी क्या करूँगा, यहाँ पे कट करके इन दोनों को एक साथ कर दूंगा। तो इसका जो कनेक्टर, इसको हटा के ये वाला कनेक्टर यहाँ पे लगाऊंगा। तो लगा के फिर से आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ब्लैक ट्यूब भी दे दिया। अभी यहाँ पे इसको इंस्टॉल ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो पहले वाला ओरिजिनल वॉशर था इसको यहाँ पे दूंगा, और आपको एक्स्ट्रा कुछ वॉशर चाहिए इस तरह के 12 नंबर के कुछ वॉशर चाहिए, इसको अंदर से देके, इसको अंदर से देके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को मैंने इंस्टॉल कर दिया। और ये रहा वायरिंग, जैसे पहले खोला था, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, सेम टू सेम फिर से लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ पीछे का। इंस्टॉल करूंगा रिंग लाइट को। रिंग लाइट को यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फेविक्विक से यहाँ पे रिंग लाइट को लगाता हूँ। इंस्टॉल हो गया अच्छी तरह से, यहाँ पे लग गया है। अभी मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दो कनेक्शन है, ये राइट वाले का इसका है और इसका ये वाला है, तो दोनों ही 12 वोल्ट का है। एक में से या इसको इस पे लगा देता हूँ ये कनेक्शन, फिर जल जाएगा। तो प्लस माइनस देख के लगाना पड़ेगा। ये जो ब्लैक वाला है ये माइनस है, और ब्लू वाला है प्लस है, ठीक है।
पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद बाइक का लुक्स कुछ ऐसा आ रहा है, अब देख के बताओ कैसा आ रहा है। रिंग लाइट बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, और जो ये इंडिकेटर्स है ये मैं जला के दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इससे।